हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नम्रता आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरा टॉपिक रहेगा कोलेस्ट्रॉल। आज मैं आप सभी से कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस करूँगी। कोलेस्ट्रॉल जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस और डेंजरस इशू होता जा रहा है आजकल, काफ़ी संख्या में देखने को मिल रहा है, बच्चों में, बूढ़ों में, एडल्ट्स में, टीनएजर्स में, लगभग सारे एज ग्रुप में देखने को मिल रहा है। क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज होती जा रही हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जब बढ़ता है तो इसके कोई भी साइन एंड सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन आगे चल करके हमारे लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। तो आपको इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगी कि आखिर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये हमारे ब्लड में कैसे बढ़ जाता है और इसके बढ़ने से हमको क्या क्या नुकसान हो सकता है, कौन कौन सी घातक बीमारियों का सामना हमको करना पड़ सकता है और किस कंडीशन में हमको अलर्ट होने की आवश्यकता है। और साथ में मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगी, जिसको आप इस्तेमाल करके अपने कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ज़्यादा देर ना करें, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब ये बात कर लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वैक्स होता है, मोम जैसा पदार्थ होता है, फैट होता है, जो हमारी शरीर की लगभग सारी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन में मदद करता है, जैसे कि विटामिन डी की सिंथेसिस में मदद करता है, बहुत सारे हार्मोन्स के फॉर्मेशन में मदद करता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, हमारे फूड के डाइजेशन में हमारी मदद करता है, हमारी बॉडी में जितना भी फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है, ज़रूरी भी होता है, लेकिन तब तक जब तक वो एक नॉर्मल रेंज में हो। जब ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लग जाता है तो हमारे लिए वो काफ़ी घातक हो साबित हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि पार्किंसोनिस डिजीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, हार्ट फेलियर, एंजाइना, हाइपरटेंशन, ये इस तरीके की बीमारियाँ देखने को मिलती हैं अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। इसका सोर्स क्या होता है, ये हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसिस करती है, लीवर हमारा बनाता है। करीब 70% के अराउंड कोलेस्ट्रॉल का जो फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, कुछ बाहर से सोर्स होते हैं, जो जैसे कि एनिमल प्रोटीन्स इसका मेजर सोर्स होता है, जैसे कि फिश, अंडा, मांस, मछली में काफ़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए अब कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दो प्रकार का पाया जाता है, पहला होता है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारे लिए ख़राब होता है, ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये हमारी खून की जो नलियाँ होती उसमें जा करके जमा हो जाता है और ब्लॉकेज पैदा करता है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, अंजाइना, पार्किंसोनिस डिजीज़, इस तरीके की बीमारियां होती हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ये हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड वेसल्स में जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हटाता है, उसको रिमूव करता है और हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और ये LDL को भी कम करने में मदद करता है। हमारी बॉडी में जितना भी फैट्स होता है उसको वो लीवर को ट्रांसफ़र करता है, जहाँ पर फैट का डाइजेशन होता है, तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है फैट को, तो ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव होता है। तो चलिए आप कोलेस्ट्रॉल की रेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 200 के नीचे है तो ये नॉर्मल माना जाता है इसको, कि आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, लेकिन अगर 240 के ऊपर अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है तो ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल इसको मानते हैं, इसको हाइपर कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अगर आपका HDL 50 के ऊपर है तो इसको अच्छा माना जाता है, ये नॉर्मल रेंज होती है, लेकिन अगर आपका 40 के नीचे जा रहा है HDL तो इट मीन्स ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, डेंजर हो सकता है। और अगर आपका LDL 130 के नीचे है तो ठीक है,
ये नॉर्मल है, आपको किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अगर आपका एलडीएल 160 के ऊपर निकल रहा है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है, आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और इसके अलावा अगर ट्राइग्लिसराइड आपका 200 के अराउंड है तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 400 के ऊपर अगर निकल रहा है तो ये आपके लिए अलार्मिंग है, आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपना लिपिड प्रोफाइल करा करके चेक कर सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल किस कंडीशन में है, कहीं आप हाइपर कोलेस्ट्रॉल की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल के कॉजेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा गलत खान पान, कि अगर आप ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, तेल घी का ज़्यादा सेवन करते हैं, और ऑयली फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस फूड, इस तरीके के पदार्थों का अगर आप सेवन करते हैं, इन सब चीज़ों का आप ज़्यादा खाते हैं, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा अगर आप इनएक्टिव हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो है, आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल भी वॉक नहीं करते हैं, दिन भर लेटे रहते हैं या दिन भर बैठे रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप प्रोन हो सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। नेक्स्ट होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में अगर हाइपर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि आपका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो चलिए इसके रिस्क फैक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला होता है एज। 30 ईयर्स से 40 और 50 ईयर्स के अराउंड आपकी बॉडी में टेंडेंसी हो सकती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की। अगर आप इनएक्टिव हैं और आपका डाइट हैबिट गलत है, इम्प्रॉपर है, तो उस कंडीशन में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप ओबेज हैं, आपका वजन ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई लीवर संबंधित कोई बीमारी है, तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो चलिए कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तो किस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, ये साइलेंट होता है। जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, तो आगे चल करके हमारे लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारी जो खून की नलियाँ होती उसमें जमना शुरू करता है, प्लाक बनाता है, और हमारी आर्टरीज़ को, खून की नलियों को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हार्ट फेलियर, एंजाइना, हाइपरटेंशन, पार्किंसन डिजीज़, मेमोरी लॉस, इस तरीके की बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात रही इसके सिम्टम्स के बारे में, तो चलिए इसके बचाव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आखिर कोलेस्ट्रॉल को हम अपनी बॉडी में बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि अपनी आप डाइट हैबिट को चेंज करें, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। अगर अपनी हम लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, अपनी डाइट हैबिट्स में चेंजेस लाएं, अपनी डाइट में फ्रूट्स, सैलड, स्प्राउट्स और फाइबर्स को इंक्लूड करें, एनिमल प्रोटीन्स जैसे कि अंडा, मांस, मछली का सेवन कम से कम करें, तेल मसाले चीज़ों को आप अवॉइड करें, घी का इस्तेमाल कम से कम करें, पानी का इंटेक बढ़ाएं, और अपने आप को प्रॉपर आप हाइड्रेट रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपने वेट को आप मैनेज करें। तो इस तरीके के बचाव कर सकते हैं आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल को तो कम करने में मदद करती हैं, इसके अलावा अगर आपको उनकी नलियों में जो ब्लॉकेज होता है उसको हटाने में मदद करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, और अगर आपको अगर कोई हार्ट से रिलेटेड बीमारी है तो उसको भी ये ठीक करती हैं। तो जिसमें फर्स्ट मेडिसिन रहेगी वो होगी एलियम सटाइवा का मदर टिंचर। ये लहसुन से बनी हुई मेडिसिन होती है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, और ये स्पेसिफिक मेडिसिन होती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। और इसको लेना कैसे है, इसकी 20-20 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम खाली पेट 3 से 4 महीने तक लीजिए। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको एक मेडिसिन और लेनी है, कोलेस्ट्रिनम 3x, इसकी 2-2 टैबलेट्स दिन में 3 बार खाली पेट 3 से 4 महीने तक लीजिए। और इसके साथ ही साथ आप क्रैटेजियस ऑक्सीगंथा का मदर टिंचर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ आपको अगर हार्ट की परेशानी है, जैसे कि आपको हाइपरटेंशन की शिकायत है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, आपकी कोरोनरी ब्लॉकेज है, तो उस कंडीशन में ये मदर टिंचर काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके इन तीनों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। आपका कोलेस्ट्रॉल 1 से 2 महीने में पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। इन मेडिसिन को लेने के साथ साथ आप प्रॉपर अपने डाइट को फॉलो करें, अपने वेट को मैनेज करें और एक्सरसाइज करें, वाटर इनटेक अपना बढ़ाएं और समय समय पे अपने ब्लड का चेकअप कराएं, लिपिड प्रोफाइल अपनी चेक करते रहें कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना कम हो रहा है, कितना कंट्रोल हो रहा है। और तो फ्रेंड्स ये था डिस्कशन कोलेस्ट्रॉल के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें जिससे कि इस तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।